चल रही सियासी खींचतान पर विराम लग गया है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को लेकर कई सवाल सिर उठा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली से बीजेपी हाईकमान ने फैसला सुना दिया है कि यूपी में योगी ही बॉस है। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ही हैं सबसे उत्तम। बीजेपी हाईकमान ने जताया सीएम योगी पर पूरा भरोसा। योगी की लीडरशिप में ही लड़ी जाएगी 2027 की लड़ाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे। आज उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन योगी के दिल्ली दौरे की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी कि यूपी में योगी की परफॉर्मेंस और यूपी बीजेपी में मचे घमासान पर क्या फैसला आएगा। यूपी और योगी को लेकर बने सस्पेंस पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसके मुताबिक योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। योगी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, यानी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सूबे की सियासत में कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। हालांकि इसके संकेत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक दिन पहले ही दे दिया था। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले सीएम योगी ने शुक्रवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएल संतोष के साथ बैठक की। बीएल संतोष और सीएम योगी के बीच यूपी सदन में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई, साथ ही यूपी के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। योगी दिल्ली में है, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है पार्टी नेतृत्व को लगता है योगी आदित्यनाथ से बड़े कद का और भरोसेमंद चेहरा अभी यूपी में और कोई नहीं है, यानी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारे ही और भरोसे ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत पर मचे घमासान को लेकर दिल्ली में मंथन होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को ग्रीन सिग्नल देकर बीजेपी ने विपक्ष की जुबान बंद करने की कोशिश जरूर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।